अगर नहीं करेगी सरकार तो सरकार को जलवा दिखा देंगे और डरा के काम करा लेंगे। सरकार तो डरती है, आपने देखा होगा भैंसला जी ने डरा दी सरकार को, डरी नहीं रही सरकार। वो अकेले तो अपने तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है, एक दिन कूच कर दिया तो सारा ही डर जाएगा सिस्टम। एक बहुत बड़ी इच्छा है मेरी कि दिल्ली के अंदर भी हुंकार भरे चल के, अभी देखते हैं कुछ मामला बैठ के। दिल्ली में बड़ी रैली करनी है 25 लाख लोगों की, जो आज तक नहीं हुई किसी की। ऐसी रैली करने के लिए हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम करना होगा, टारगेट बड़ा होगा, एक दिन दो दिन सब कुछ चलना होगा। दिल्ली में ऐसी रैली कर दे कि फिर बाद में लोग ये नहीं कहे भाई इससे बड़ी कोई रैली होगी। अब राजस्थान में कोई होगी नहीं उससे बड़ी रैलियां, और मेरे को लग रहा नहीं गुजरात यूपी में भी 5 लाख करोड़ कभी हुए होंगे, 5-7 लाख करोड़ नहीं हुए। लेकिन दिल्ली कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। जिस जन आंदोलन को लेके, जिन मुद्दों को लेके हमने लड़ाई लड़ी आरएलपी, उन मुद्दों को लेके राजस्थान में आगे बढ़ेगी। विकसित राजस्थान बनाएंगे, राजस्थान के अंदर किसानों का राज लाएंगे, और जो वादे सरकार ने किए वो जवानों को नौकरियों के जो वादे, संविदा कर्मियों को नियमित करने की जो बात है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हमेशा सरकार को इन वादों की तरफ याद दिलाता रहूंगा। भाइयों, इससे बड़ी कठिन परिस्थितियों से देश नहीं गुजर सकता। जब सीमा पे बैठा हमारा जवान सुरक्षित नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग पत्थर मार मार के हमारे सैनिकों को लवलुहान कर रहे हैं, और कई सैनिकों की वहां के नागरिकों ने हत्या कर दी, और वहां के नेता बैठे बैठे ऐसे बयान देते हैं कि ये अगर आप हमें आंख दिखाओगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हमें एकता की आवश्यकता है। जो पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद हुए, कल और जवान शहीद हो गए, आज जब 4 जवान की बात करें शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद तो यह थी कि सादत कम होगी, सैनिक कम हमारे मारे जाएंगे, लेकिन संख्या बढ़ती गई। हर जिले हर तहसील के अंदर शहीद हो रहे, और आप फोटो देखते होंगे सब किसान के बेटे हैं, कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई यादव है, कोई मीणा है। सबसे ज्यादा हमारे लोग वहां लड़ाई इस तरह की लड़ रहे हैं, या धरती का सीना चीर के अन्न उत्पादन करते हैं, प्रदेश का पेट पालते हैं। मूंग के टोकन सरकार ने दे दिए, मूंग खरीद नहीं कर रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक दो दिन के अंदर अंदर जितने भी टोकनधारी है उनके मूंग की खरीद पुनः चालू करवाएंगे, नहीं तो हमें भी लग रहा किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा मूंग खरीद को लेकर। अब तो यही मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा। तो भाइयों, इस पुलवामा की जो घटना हुई है, मैं तो दिल्ली की सरकार से मांग करता हूँ बिना समय व्यर्थ किए, ये तो एक दिन होना ही है, आज नहीं लड़ेंगे 10 साल बाद लड़ना होगा, ये लड़ाई आज ही कर ले, आर पार की लड़ाई करे और पाकिस्तान पे अटैक करे, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे। पार्टियों से ऊपर उठ के हमें हिंदुस्तान की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान के अंदर बैठे हमारे भाइयों की रक्षा करनी है। हिंदुस्तान के किसी जवान पे अगर पाक ने उंगली उठाई, किसी जवान पे उग्रवादी अलगाववादी इस तरह हमले करके उन्हें डराने का प्रयास करेंगे, तो देश का जवान और किसान चुप नहीं बैठेगा। या तो मोदी हमला करे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जनता खुद ही हमला करने के लिए बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। अब इस तरह की घटनाओं से देश के अंदर अति हो गई, लोग उब चुके। कब तक मोदी के भाषण सुनोगे भाइयों बहनों? अरे कब करोगे बताओ, कितने लोग मारे गए? या तो इस बार या उस बार, एक काम, या तो युद्ध करें पाकिस्तान को हराएं, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गांवों के अंदर आए तो उनका ऐसा इलाज करो कि दोबारा झूठ बोलना छोड़ दे। ये काम भी अपने को 1-1.5 महीने बाद करना, तैयार रहना। या तो पाकिस्तान का इलाज कर दे, और बिना इलाज के अंदर आगे के हुर्रियत के नेताओं की सिक्योरिटी हटा ली, हमें क्या करना, सिक्योरिटी दे दो उनको। हमें तो पाकिस्तान को मारना है, पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करना है। जो नक्शे के अंदर तो हिंदुस्तान का दिखता है, लेकिन हकीकत के अंदर पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। तो जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए पूरे नहीं कर रहे, जिनको लेके ये आए, अभी इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम के अंदर इतनी बड़ी घटना का होना, और इस तरह एक वहां की सरकार भी मुझे लगता है पूरी तरीके से इनके साथ मिली हुई है, वहां कोई सिक्योरिटी जांच नहीं है, किसी तरह के हमारे सैनिक हताहत हो रहे हैं। और सैनिक जब इस तरह हताहत होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बैठे लोगों के मन में भी पीड़ा होगी कि कुछ उनको होना चाहिए। पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश इस घटना को लेके चिंतित है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज कैसे करें। तो भाइयों, हम तो सब तेजाजी महाराज से एक ही कामना करते हैं कि दिल्ली के अंदर बैठे नेताओं का दिमाग ठीक करें और पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से हटा दे, नेस्त नाबूद कर दे,
और इन जो नए नए मिसाइल और ये लेके आ रहे हो आप रोज इनका, कभी जो परीक्षण कहीं करवा रहे हो, कभी जैसलमेर में उड़ा रहे हो, कभी फाइटर कहीं उड़ा रहे हो, ये खाली दिखाने के लिए है क्या? इनका इनको पाकिस्तान के ऊपर ले जाके डालो, तब जाके इलाज होगा। अब अगर मैं आसपास होता तो अभी तक हमला करवाते थे, मैं रुकता थोड़ा ही, मेरे कहने से तो कोई कर नहीं रहा ना हमला, कोई कह रहा था आप क्या करते, मैं क्या मैं होता जब बताता क्या करता, अभी तो क्या मतलब करने से, अभी तो मैं विरोध कर रहा हूँ ना तो कर ही रहा हूँ। तो भाइयों अभी हमें देश की एकता अखंडता की भी चिंता है, हमारे सबके लिए देश मातृभूमि पहले, उसके बाद सारी बातें। और इसके अंदर मैं सारी पार्टियों ने जो एक मैसेज दिया कि सर्वदलीय जो लोग हैं सब कह रहे हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान की अस्मिता सबसे पहले, हम सब इस दुख की घड़ी के अंदर इस दिल्ली की सरकार के साथ है, किसान के बेटों की जो शहादत हुई है वो खाली नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। हमारे 45-50 जवान शहीद हुए, वहां कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होनी चाहिए, 5 लाख लोगों की, तब जाके मजा आएगा थोड़ा सा। ये कब होगा? जब आमना सामना होगा, अब तो करना ही पड़ेगा आमना सामना, और क्या करोगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने कोशिश के अंदर बारम्बार आप मुझे बुलाते हो और आपका इतना प्यार है कि मुझे पूछते नहीं और मेरा नाम लिख देते हो कि इतनी तारीख को आपको आना है, फरमान जारी कर देते हो। अब चलो अब तो कट लिया, लेकिन अब प्लीज अब ऐसा कोई काम नहीं करना कि आप मेरा नाम लिख दो और मैं नहीं आ पाऊं, कम से कम मैं मेरे को कितनी दूर से आना पड़ता है, थोड़ा ध्यान मेरा भी रखो, और मैं नहीं भी आ पाऊं तो आप खुद ही ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम कर लिया करो। अब तो एक एक आदमी जब गांव गांव संभालेगा ना, तब जाके सत्ता के शिखर पे बैठोगे। इस तरह मुझे जागरणों में घुमाते रहोगे ना राजस्थान के अंदर, तो घूमते घूमते कभी मेरी गाड़ी भी पंचर हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये भी मुझे भी सुरक्षित रखना है, 3-3, 4-4 बजे घूम रहा हूँ, कोई तो रोज आ जाता है गाड़ी के आगे, कभी कोई और आ जाता है, 2-3 बार तो गाड़ी में वो नील गाय पड़ गई थी, ध्यान है तुम लोगों को, मेरा पैर दुखता ना मैं बता रहा था, इसलिए तो हो रहा है सारा। अब आपके जिद्दी बहुत हो, आ जाओ साहब छपारी फोटो खुद ही कर दिया नाम, क्या 15 तारीख फला जगह, अरे तो मेरे से टाइम तो लो काका, हूँ मेरे से टाइम नहीं लोगे तो फिर मैं कहीं और आऊंगा, फिर आप कह दोगे हमारे नेता नहीं आए, आप भी नहीं आए, और ये और कह दोगे कि आपका नाम लिखा जाए इसलिए हमारे वाला नहीं आया, ये कहोगे ना, तो क्या कहोगे? देखो मेरे को तो ओशिया के अंदर ओशिया के लोग अगर मेरी वजह से नहीं आए तो मैं तो उनको निकम्मा ही कहूंगा, क्योंकि मैंने तो सबकी मदद करी है हमेशा, मैंने नुकसान नहीं किया। अगर मेरे से कोई एलर्जी करेगा तो उसका लंबा भविष्य नहीं है, ये भी तय कर लो आप, तो घर बैठना उन लोगों को। हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाने के लिए तो अभी जब दिल्ली की सरकार तैयार बैठी है, और ऐसे मामले में अगर लोकल नेताओं के दिमाग में ये खराब हो जाए कि हम हनुमान जी के साथ नहीं बैठेंगे, तो हनुमान जी के साथ बैठने के लिए तो सोनिया गांधी राहुल गांधी तैयार बैठे दोनों, कि कब हनुमान जी आए कब हम साथ बैठे, अमित शाह बागरा पकड़ लो हनुमान को जाके पीछे। तो ये इनका दिमाग ऐसे अगर सड़ गया तो ये अंतिम पारी समझो यहाँ पे, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। या आना चाहिए, बच्चों को आशीर्वचन देने चाहिए, उनका इलाका है, मैं तो कह रहा हूँ ओशिया के नेता अगर यहाँ आ जाते तो मैं आपसे फोन पे ही संबोधन कर देता, मान लेते ना फोन पे, मुझे लगा कोई नहीं आ रहा, और आप बार बार कह रहे थे आपकी वजह से नहीं आ रहे, आप भी मुझे मतलब पूरा मेरे ऊपर ही डाल रहे थे, तो मैं भाग के आया कि कहीं मेरी वजह से बच्चे निराश नहीं हो जाए। चलो आप आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी ताकत आप हो, आप अगर मजबूत रहोगे तो मैं मजबूत रहूंगा, आप निराश हो जाओगे तो मैं भी निराश हो जाऊंगा। वैसे मैं भी चलते चलते आप लोगों की तरह हैंग हो जाता हूँ कई बार, जैसे आपके 99 काम कोई कर दे और एक नहीं करता, आपके तो मेरा एक काम नहीं किया 99 भूल जाते हो। मेरा भी सरकार में बैठा कोई आदमी 99 काम कर दे एक नहीं करता, मेरा मूड ऑफ हो जाता कि तूने वो क्यों नहीं किया मेरा, बाकी कर दिया। तो मैं आपकी तरह हूँ, जिस स्टाइल की हमारी राजस्थान की जनता है, राजस्थान के किसान है, हनुमान बेनीवाल उसी सोच का व्यक्ति है। मैं चाहता हूँ कि सत्ता के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सत्ता किसान के बेटों के हाथ के अंदर आए, और एक बार सत्ता का आनंद ले ले, और सत्ता का आनंद अगर एक बार आपने ले लिया तो फिर सत्ता से दूर आप नहीं होंगे, इतने समझदार आप लोगों, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। एक बार सत्ता में मिली नहीं है, जिस दिन सत्ता मिल जाएगी उस दिन दूसरे लोग भी कह देंगे कि सबसे अच्छा शासन अगर किसी ने किया तो तेजा जी के भक्तों ने राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा शासन किया, खेत खेत सिंचाई का पानी, कानून का राज, मजा ले रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटे निकले और कोई सामने देख ला उठा के, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होगी। ये कब होगी? जब आपकी खुद की सरकार राजस्थान के अंदर आएगी, और ये जल्दी आएगी। अभी MP का चुनाव होगा, उसके बाद प्रधान प्रमुखों की तैयारी करो। आज भी मुझे कोई पूछ रहे थे सचिवालय में कि बोतल का चीना आप कहां से लाए, तो मैंने कहा आपको इसे कह के नहीं, थोड़ा दूसरा होता, मैं कि इससे बढ़िया क्या होगा, पानी की बोतल
और बच्चे की दूध की बोतल, आप दारू की बोतल का ध्यान, दारू पीते मन का इसलिए ध्यान रहती है वो बोतल, वो वाली नहीं है हमारी, तो दूसरी बोतल है भाई, वो तो वसुंधरा की बोतल है। तो भाइयों इस बोतल के चिन्ह से कई नए नेता राजस्थान के अंदर बनेंगे। जिस बार अब बताओ मेड़ता से जो इंदिरा बावरी जीती है वो तो बिल्कुल अंगूठा टेक है, लेकिन अंगूठा टेक है फिर भी बोतल के चिन्ह से विधानसभा में पहुंच गए। ये राजू और पुखराज जी को लाए, पुखराज जी गर्ग जीत गए, विधानसभा में चले गए, तो दो MLA बन गए, चार पांच सात दस जगह अच्छी फाइट रही, किसी ने 50,000 लिए, किसी ने 55, किसी ने 45, किसी ने 40-48, तो 10-12 जगह 35 जगह सम्मानजनक वोट भी इस बार RLP लिए। कमियां थी, 20 दिन के अंदर पार्टी बनाई, 20 दिन में टिकट दिए, कईयों की मदद करी, कईयों को सलटाया, कई समीकरण बनाए। ये लो आउट का समीकरण क्या आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस थोड़ी जीती है, वो तो हमारा समीकरण जीता, वहां पर कांग्रेस कहां जीत जाती लो आउट में, तो समीकरण से सेट करना पड़ा सारा मामला। जांगू साहब को मनाया मैंने, बड़ी मुश्किल से माना है, मैंने कहा आप जाके बैठ जाओ, आप अबकी बार हमारा मान लो, फिर कर लेंगे जो भी होगा। एक बार बना जी को गढ़ में भेजो, वहां सब्जी रोटी बनाने में बहुत मास्टर है, उनकी होटल है ना, पहले खुद ही खाना बनाते थे होटल, मैंने कहा एक बार भेजो, वो होटल का कारोबार उनका ढीला हो रहा है, कम से कम वहां बैठ के गल्ले पे बैठ के काम करे खीव सर के अंदर, तो वापिस उनको 50,000 चाह रहा है, हराने के बाद तबियत भी खराब होगी उनकी, ज्यादा वोटों से हार गए ना। तो भाइयों मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और मैंने तो मेरे वहां घोषणा कर दी थी, देखो मैं घोषणा सबसे ज्यादा मैं करता हूँ, काम भी सबसे ज्यादा मैं कराता हूँ। मैंने घोषणा करी खींवसर की कॉलेज का नाम वीर तेजाजी कॉलेज रखेंगे, ये मैंने घोषणा कर दी। मैं तो घोषणा मुख्यमंत्री करता है, लेकिन मैं भी घोषणा ही करता हूँ, जिद्दी बहुत हूँ, करता हूँ तो पूरी करता हूँ, और मैंने वहां का कर दिया। तो मैं ये भी मांग करूंगा कि ओसिया की जो गवर्नमेंट कॉलेज उसका नाम थोड़ी रखा कोई, तो उसका भी नाम वीर तेजाजी महाराज के नाम से रखे, ओसिया कॉलेज का नाम भी वीर तेजाजी, वीर राज के वीर तेजा राज के महाविद्यालय ओसिया, PG महाविद्यालय हो गया ना। तो मैं तो ओसिया का कागज भी साथ चला दूंगा, आप चिंता मत करो, आप तो अपनी MLA साहब से भी चलवाना, मेरा तो कागज चलेगा ही चलेगा ओसिया के लिए, वो उनका चले तो साथ साथ चल जाएगा, और उनका नहीं भी चलेगा तो हनुमान बेनीवाल को तो कागज चलेगा आने वाले टाइम में, वो चला दे तो और अच्छी बात है। ओसिया की कॉलेज जितने तेजाजी के नाम से कॉलेज, मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी का नाम तेजाजी के नाम से, हर बड़े बड़े जो शहर है वहां स्टेच्यू लगे, आपने इतना स्टेच्यू लगा दिए लोगों के, कई लोग दारू पी के पड़ के मर गए उनके स्टेच्यू लगा दिया आपने। इनका इतिहास पूछो क्या करते थे, कोई कहते भैंस चोरता था, कोई ऊंट चोरता था, और ऐसे हाथ में तलवार देके दिखा दिया, ऐसे मजा लगा यार, क्या कर दिया बताओ। अगर सरकार आ जाती तो ये काम सारा ठीक हो जाता, आई नहीं ना, अब आई वेट करो आगे का, तो एक घंटे का काम है सारा, एक घंटे में इतिहास भी सही लिखा देंगे, फालतू की जो मूर्तियां लगी राजस्थान के अंदर 1-1.5 घंटे के अंदर हटा देंगे उनको, 1-1.5 घंटे में कूड़ा करकट जहां भी लगा, जहां वीर हुए उनका हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन वीरता के नाम पे कोई दारू पी के पड़ के मर गया और उसी को आपने बड़ा वीर करके घोषित कर दिया। हमारे खींवसर में 2 मूर्तियां लगा दी, जो कोई भैंस चोरी करते थे एक तो, और दूसरा दोनों गढ़ के बाहर लगा दी। अब मेरी नजर उन पे दोनों पे, लेकिन सरकार, मैं चाहता हूँ सरकार आए ना तो मैं सरकारी तौर पर उनको हटा के और उनको अंदर डलवा दूं दोनों केस के, तो सरकार होते भी हो, अब देखते थे क्या होता आगे, अगर कोई दाव लगा जब तो बढ़िया होगा राजस्थान के अंदर, अभी तो बनाजी को लेके आए फिर देखेंगे सारा काम। तो भाइयों तैयारी करो, लड़ना है लोकसभा के अंदर लड़ेंगे, फिर प्रधान प्रमुख के चुनाव होंगे, इतने में नजदीक आ जाओगे एकदम, 20-22 आ जाएगा, मैं थकूंगा नहीं, तुम तो नहीं थकोगे ना, या मैं घुस जाऊंगा इस सत्ता के अंदर बताओ, अलग ही लड़ाई लड़नी है ना अपने को तो, और कोई गठबंधन वगैरह कर ले मेरे से तो क्या करूं, क्या ऐसे नहीं गठबंधन मतलब कोई कह देगी आप बोतल से लड़ो, हमें थोड़ा सपोर्ट कर दो, थोड़ा ऐसा कर लेंगे, कोई लोकसभा तो कह रहा हूँ कोई करे तो कर लें क्या, करके आपका मन होगा जब वापिस अलग हो जाएंगे, कौन मना कर रहा है, अगर हो जाए तो, अभी होने का चांस नहीं है वैसे, क्योंकि तुम कह रहे हो नहीं तो नहीं होगी भी, ना दे दिन तुमने फिर से, अगर हो जाए तो अपने तो अपनी पार्टी को और बोतल को मजबूती देनी, मिशन 23 की ओर ध्यान रखना, मिशन 23 जल्दी निकल जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हनुमान बेनीवाल ओसिया के लिए, जोधपुर जिले के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ेगी लड़ता रहेगा, हम अभी RLP का विस्तार भी करेंगे, और छात्र संगठन RLP का, मैं राजू राम खोजागोर इनको कहता हूँ, ये पूरी टीम देख रहे हैं कि भाई RLP का छात्र संगठन हमारा खड़ा करो, मीणा गुजरों से लेके हमारे इलाके से लेके सब जगह
आरएलपी के समर्थक हैं, हम चाहते हैं कि हम जिताएं, लोगों को चुनाव तो हम जिताएं। और गीत गहलोत और वसुंधरा के गाए जाके बताओ, जब उनको रोक ले जब तो रात को रोने लग जाए, अरे बचाओ बचाओ पुलिस आ रही है, हमें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट हो गया, और पता लगे कि गीत अशोक गहलोत के, यार ये कोई बात है क्या? अभी ये कितना सहन करेंगे हम बताओ? ताकत हमारी, वोट हमारे जीत जाए, उसके बाद दुश्मन हो जाए हमारे समाज के लोगों के, तो ये व्यवस्था भी बंद करेंगे, कर देना बंद। मतलब आरएलपी का स्टूडेंट यूनियन आप लोग तैयारी कर लो, राजू राम जी से बैठे हो, भागरथ जी अपन स्टूडेंट यूनियन अपन जहां मन होगा छोड़ देंगे, जरूर थोड़ी सब जगह लड़ाएं, लेकिन जहां कोई बदमाशी कर रहा है उसके सामने हमारा उम्मीदवार उतरेगा, तो वोट हमारे तो फिर हमारा ही उम्मीदवार उतरेगा भाई, हमारा उम्मीदवार उतरेगा तो जोधपुर के जयपुर तो खूब लोग जगह से उतरेगा, जितनी जगह हेलीकॉप्टर उतरा है उससे 5 गुना उतरेगा। तो तैयारी कर लो, छात्रों से लेके किसानों तक, संगठन को भी मजबूत करेंगे, राजस्थान की सत्ता के शिखर पे कब्जा करेंगे और किसानों का राज लाएंगे, और तेजाजी महाराज का जयकारा नागौर से लखनऊ तक ले गए, और तेजाजी का मंदिर भी खरनाल के अंदर 2-4 दिन के अंदर मैं फ्री हो जाऊंगा, एक दिन बैठ के स्पीड से इस मंदिर बनाने का काम भी तेजी से शुरू, लोग मंदिर नहीं बनाए कहते, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 2-3 दिन 4 दिन मुझे बैठना पड़े, मैं बैठ के एक ही दिन के अंदर सब भाइयों से अपील करूंगा और मंदिर को भी तेजी से स्टार्ट कर देंगे। जब दूसरे गांव में मंदिर बन गए, दूसरे शहरों में भव्य मंदिर बन गए, बेंगलोर के अंदर इतनी बढ़िया जमीन लेके तेजाजी का मंदिर बन रहा मैं देख के आया, मद्रास मुंबई में और खरनाल के अंदर अगर छोटा मंदिर है तो हमारे सबके लिए चिंता की बात है। इतना बड़ा समाज है देश के अंदर, हमें तो देश में जाने की आवश्यकता ही नहीं, हमारे 100 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो मजबूत लोग हैं उनको लाके बिठा के एक दिन के अंदर बात करेंगे।